मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। एक ऐसी लैंग्वेज जिसको एक छोटा बच्चा भी आसानी से पढ़ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आसान सी लैंग्वेज मार्केट में जो चलती है, जो हमारे इंडिया लेवल पे काम करती है, वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, उस लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पाइथन पे। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मित्रों, जिसको एक छोटा बच्चा भी आसानी से कर सकता है। और इतना ही नहीं, उसमें कोडिंग भी कर सकता है, वेब डेवलपमेंट भी कर सकता है, ऐप भी क्रिएट कर सकता है दोस्तों। तो क्या हुआ, इसका मतलब यह पाइथन एक इतनी आसान लैंग्वेज है कि जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और आसानी से हम लोग पढ़ के किसी भी वेबसाइट डेवलपर या ऐप क्रिएटिंग या फिर हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना, कुछ भी कोई कोडिंग अगर हमें आप लोगों को करनी है तो हम पाइथन पे आसानी से कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं पाइथन लैंग्वेज की। तो मैं रत्नाकर उपाध्याय यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल के माध्यम से मित्रों आज पूरा पाइथन चैप्टर आप लोगों को इसी में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा, मजा आने वाला है दोस्तों। तो हम बात करते हैं किस पे, आज हम लोग बात करेंगे इस पाइथन पे कि आखिर पाइथन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाइथन क्या है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है दोस्तों? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह क्या करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या हुआ, हमारा C++, जावा, HTML, कुछ भी कोई भी सारी लैंग्वेजेस कौन सी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लैंग्वेज हमारी कौन सी आती है? पाइथन लैंग्वेज आती है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग चर्चा आज पूरे वीडियोस में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइथन लैंग्वेज होता क्या है। तो पाइथन लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स हाई लेवल इंटरप्रेटर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर से ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा दोस्तों, ओपन सोर्स हाई इंटरप्रेटर जनरल लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? इजी टू यूज, यानी कि इसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी पावरफुल लैंग्वेज है जिसके बिना कोई भी कार्य अधूरा होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में दोस्तों। और इसको हम लोग आसानी से इसे यूज करके एप्लीकेशन भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। क्या दोस्तों? एप्लीकेशन भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक छोटी सी लैंग्वेज और इतना कमाल के करती है। जैसे हम कहते हैं ना कि छोटा बम बड़ा धमाका, तो यही हाल है। एक छोटा सा लैंग्वेज है जो कि मार्केट में इतना छा गया है कि आज इसके बिना कोई रह नहीं पा रहा है, कोई सह नहीं पा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से यूज में हम लोग आते हैं दोस्तों। तो हम बता दें कि जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बहुत ही इजी है। यानी कि मतलब इस और एक क्षेत्र में है, जैसे कि हमारी कोई भी टीम जब काम करती है किसी भी लेवल पे, एक टीम काम करती है, वेबसाइट डेवलपर की काम करती है, या फिर कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं दोस्तों हम लोग, या फिर कोई लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, कोई लैंग्वेज इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक टीम होती है। उस टीम की सहायता के लिए, यानी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, या दूसरा लैंग्वेज ला करके पाइथन में ऐड करना, उतना ही आसान है जितना आसान हम किसी चीज को मिटा करके फिर से लिख दे दोस्तों। तो यही एकमात्र ऐसी इकलौती लैंग्वेज है जिसमें हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं और आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके हिस्ट्री पे कि आखिर पाइथन की हिस्ट्री हुई क्या। नीदरलैंड के जुआडो वॉन रोशन ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। कौन किया था? जुआडो वॉन रोशन। रोशन ने इसकी शुरुआत की थी कब? 1980 में इन्होंने शुरुआत किया था इसका। ठीक है, 1980 में शुरुआत किया और 1980 से 1991 तक इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद क्या किया, इसको डेवलप किया। ठीक, 10 साल लग गया इनको मात्र एक पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करने में। और इतना ही नहीं, सबसे पहली जो लैंग्वेज थी हमारी 1994 आई दोस्तों। कब? जनवरी 1994 में, जिसको हम लोग 1.0 के नाम से जानते हैं। हम आप लोगों को अच्छे से लिख देते हैं, जो हमारी पहली लैंग्वेज है वो जनवरी 1991
91 में आई, जिसको हम लोग 1.0 के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो ये हमारी कौन सी लैंग्वेज थी, ये हमारी सबसे पहली पाइथन का हमारा जो ये था एप्लीकेशन, ये सबसे पहले कब डेवलप किया, जनवरी 1991 में डेवलप किया दोस्तों वो 1.0। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा आया, जैसे देखिए होता क्या है कि हम लोग इसको अपग्रेड करते गए अपग्रेड करते गए, तो जो हमारा दूसरा आया था वो कब था, अक्टूबर में था, कब था, अक्टूबर 2000 में। इसमें क्या हुआ कि 2.0 हमारा आ गया, मतलब ये हुआ दोस्तों सीधी सी बात है कि जब हमारा दूसरा लैंग्वेज आया तो दूसरा लैंग्वेज कब आया, अक्टूबर 2000 में आया था दूसरा लैंग्वेज, जिसको हम लोग 2.0 के नाम से जानते हैं। तीसरा दोस्तों हमारा आया था दिसंबर में, दिसंबर 2008 में आया, बहुत काफ़ी लंबा समय इन्होंने ले लिया था, इसमें क्या किया कि काफ़ी लंबा समय ले लिया और थोड़ा सा समय लगा दिया। तो इसको हम लोग किसके नाम से जानते थे दोस्तों, इसको हम लोग जानते थे 3.0 के नाम से, किसके नाम से, 3.0 के नाम से। इसी तरीके से हमारा चौथा जब डेवलप हुआ है, जो अभी नया नया आया हुआ है, जो मार्केट में चल रहा है 3.6.1, जो कि मार्च 2017 में डेवलप हुआ, कब हुआ, मार्च 2017 में डेवलप हुआ है, जिसको हम लोग 3.6.1 के नाम से जानते हैं। तो इतने हमारे जो है अपग्रेड वर्जन पाइथन के हैं, जो कि रनिंग पीरियड में चल रहे हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जर्नल पब्लिक फ्री सॉफ्टवेयर, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ये जर्नल पब्लिक फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, कोई चार्जेबल नहीं है, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, इसका कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, यानी कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक हम बता दें आपको, एक इसकी हिस्ट्री की बात बताएं कि जो हमारा पाइथन लैंग्वेज था, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज में क्या था, ये जो जूडो वॉन रोसन थे, इन्होंने क्या किया कि 1970 में ये एक कॉमेडी शो सर्कस देखने गए थे, जिसका नाम था मोंटी फ्लाइंग सर्कस, ठीक है, क्या था, मोंटिंग फ्लाइंग सर्कस, यानी मतलब क्या हुआ, इसमें पाइथन भी जुड़ा था, मोंटिंग फ्लाइंग पाइथन सर्कस, ठीक है। तो पाइथन का नाम यहीं से, इन्होंने इस सर्कस पे बहुत, इन्होंने ये सर्कस बहुत लाइक करते थे, तो इनसे इंस्पायर होकर के इन्होंने क्या किया, पाइथन का नाम डेवलप कर दिया 1970 में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, ध्यान समझिएगा हमारी बात को, ये जो लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है दोस्तों। और हाँ, ये क्या होती है, ये कहीं बहुत सारे जगहों पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में, ठीक है, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करने में इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग गेम एप्स क्रिएट करने में यूज कर सकते हैं, वेबसाइट बनाने में यूज कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में यूज करते हैं, और इसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में भी यूज कर सकते हैं। अरे इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये कि नासा में भी ये पाइथन लैंग्वेज यूज की जाती है दोस्तों, नासा जैसे जगह पे भी पाइथन लैंग्वेज यूज की जाती है। और इतना ही नहीं, किसी भी ओएस यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग पाइथन आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो हमारा, इसको हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें कभी भी प्रॉब्लम ये नहीं हो सकती कि हम इसमें कुछ और लिखे हैं और जब हम दूसरे सिस्टम में खोलते हैं तो वहां पे कुछ और लिखा जाए या फिर कुछ ना हो, ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आती है दोस्तों। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व है, सीधा सा फंडा है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सॉफ्टवेयर लेके जाएंगे और इसे आसानी से हम लोग रन करा देंगे। और हाँ, इतना ही नहीं, ये क्या है कि ये लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसमें होती है, यानी कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मॉड्यूल भी इसमें होता है, डाटा ट्रांसफर का भी मॉड्यूल है, यानी मतलब क्या हुआ, इसमें इतनी बड़ी लाइब्रेरी होती है कि हम कुछ भी आसानी से इसमें क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, किसी भी प्रोग्राम में कोड डाल सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रोग्राम में इसका कोड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा है दोस्तों पाइथन लैंग्वेज। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओ लेवल के पाइथन
सब्जेक्ट पे, यानी कि मतलब क्या हुआ, हम लोग पिछले वीडियोस में देखा था कि ओ लेवल के चार पेपर होते हैं, जिसमें से जो तीसरा पेपर है वो है पाइथन का, यानी मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, मतलब ये हुआ कि हमारा एक पाइथन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको पढ़ना बहुत ही आसान है और ये नया है मार्केट में, नया है दोस्तों। इसका पूरा सिलेबस बताऊंगा, कैसे ड्यूरेशन कैसे पढ़ना है इसकी पूरी डिटेल दूंगा दोस्तों, इसको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस चैप्टर को पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, मजा आने वाला। तो हम लोग बात करते हैं ओ लेवल पे। आपको पता है कि जो ओ लेवल होता है ये नाइलेट संस्था यानी डोएक संस्था का इकलौता मात्र कोत्र ऐसा है जो कि मार्केट में नया है और हर गवर्नमेंट जॉब में ये अब मांगने लगा है। तो दोस्तों ओ लेवल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओ लेवल का जो तीसरा पेपर है वो उसका नाम है पाइथन। तो पाइथन पे हम लोग बात करते, जो पाइथन का सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज का ये कोर्स है, यानी 120 घंटे की क्लास होती है दोस्तों, जिसमें अगर प्रतिदिन आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से 2 महीने में पूरा पाइथन सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा है ओ लेवल और ये हमारा है 120 आवर, यानी मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग 60 डेज आराम से 2 घंटे कंप्लीट करें तो आराम से पूरा पाइथन कंप्लीट कर सकते हैं 2 महीने में। जो थ्योरी होता है वो होता है 48 घंटे का और जो प्रैक्टिकल होता है वो है 72 डेज का दोस्तों। तो हम बात करते हैं कि जो 48 घंटे अगर हम लोग ओ लेवल की थ्योरी पढ़ लें और 72 घंटे इसका प्रैक्टिकल कर लें तो ये आसानी से कंप्लीट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो हम बात करते हैं इसके पहले टॉपिक पे, जो इसका पहला टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग है। मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग हम लोग आसानी से कोडिंग करते हैं, जो हमारी भाषा को कंप्यूटर समझता है और वो क्या करता है अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं दोस्तों। तो ये प्रोग्रामिंग सबसे पहले इसमें जो है ये आपका प्रोग्रामिंग है, जिसमें अबाउट प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट पूरा आपको बताया जाएगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट होता है और इस प्रोग्रामिंग एक्चुअल में होती क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। दूसरा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है पाइथन। पाइथन का इंट्रोडक्शन हम लोग जब देखेंगे तो इसके फीचर्स को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, एरिया यूज्ड टू पाइथन, यानी इसका पहले हम लोग ये पाइथन है क्या, आया कहाँ से, इसके फीचर्ड क्या क्या हैं और इसके स्ट्रक्चर कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके एरिया यूज टू पाइथन यानी कि कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, पूरी जानकारी हम लोग लेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑपरेटर एक्सपेंसिव एंड पाइथन स्टेटमेंट, यानी जो तीसरा टॉपिक है वो ऑपरेटर एक्सपेंशन एंड पाइथन स्टेटमेंट, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा दोस्तों, डेवलपिंग ऑफ प्रोग्रामिंग्स, कंडीशनल स्ट्रक्चर, लूपिंग, राइटिंग पाइथन प्रोग्राम्स। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले डेवलपिंग ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि प्रोग्राम का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ था, इसका कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, इसका कंडीशनल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लूपिंग कैसे बनाई जाती है, राइटिंग प्रोग्राम पाइथन यानी पाइथन का प्रोग्राम राइटिंग करना तीसरे टॉपिक में सिखा दिया जाएगा दोस्तों। स्क्वायर डेटा एंड टाइप, जो इसका तीसरा चौथा टॉपिक है वो है स्क्वायर डेटा एंड टाइप, सिक्वेंस टाइप, मुटेबल एंड इमुटेबल के बारे में पूरा आपको दोस्तों पढ़ाया जाएगा इसमें। उसके बाद सीधे हम लोग आते हैं फंक्शन पे, जो हमारा पांचवा टॉपिक है, इनपुट फंक्शन, मॉड्यूलर अप्रोच एंड डिफरेंट फंक्शन, यानी कि एक एक टॉपिक पे पूरा हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी लाइव क्लास चलेगी दोस्तों, ठीक है। जो हमारा छठवां है वो फाइल प्रोसेसिंग, वर्क एंड फाइल, रीडिंग एंड राइटिंग, वर्क और इसको हम लोग जो है पूरा पढ़ेंगे, वर्क और फाइल, वर्क कैसे करते हैं इसमें, फाइलिंग कैसे क्रिएट करते हैं, रीडिंग कैसे करते हैं, राइटिंग कैसे कहते हैं, इसकी पूरी दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो हमारा सातवां है वो है मॉड्यूल कॉन्सेप्ट्स, इंपोर्टिंग, लोडिंग एंड रीलोडिंग, मतलब क्या हुआ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मॉड्यूल एक्चुअल में होता क्या है, इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, इंपोर्टिंग कैसे करते हैं, रीलोडिंग कैसे करते हैं, लोडिंग कैसे करते हैं, इसको पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे इसमें। इसमें क्या है, नॉम्पी बेसिस क्या होता है, नॉम्पाई एरे, नॉम्पाई पोल्यूशन, एक्सेस डेटा एंड स्प्लिट ज्वाइन, ये है हमारा दोस्तों पूरा सिलेबस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से और इसको आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों। बाकी आप लोगों को कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और बताइए कि हमें सर इसमें समस्या है, हम आपके पूरे समाधान हल करेंगे।